नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हो टेक्निक इंडिया। तो एक बार फिर से आप सब लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत करता हूँ दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टारपोर्ट के चैनल के बारे में। जी दोस्तों, IPL 2018 स्टारपोर्ट के चैनल पे आने वाला है। तो इसके बारे में मैं मेरा फाइनल प्रेडिक्शन बताने वाला आपको कि क्या IPL किस चैनल पे आ सकता है, तो मेरा इसमें क्या मानना है, मेरा क्या प्रेडिक्शन है, और जो DTH कंपनी है उनका क्या प्रेडिक्शन है, DTH कंपनी ने किसके ऊपर दाव लगाया, किस चैनल के ऊपर या फिर दाव लगाया और अपने साइड पे एड्स लगाइए अलग अलग IPL देखने के लिए स्टारपोर्ट चैनल की। तो आज मैं इसमें फाइनल प्रेडिक्शन आपको करके बताने वाला हूँ क्या सच में किस चैनल पे IPL आ सकता है, और आपके लिए भी अच्छा होगा फिर आप आगे जाके भी कि आपको भी चैनल आप एक्टिव कर सकते हो दोस्तों आपके लिए IPL देखने के लिए। तो उसके बाद अभी IPL के लिए तो 7-8 दिन खाली बचे हैं, उसके बाद तो कन्फर्म हो ही जाएगा कि IPL किस चैनल पे आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए तो हम लोग इसी चैनल पे दाव लगाने वाले हैं, उस चैनल पे ही IPL आ सकता है, क्या है मेरा मानना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आया हूँ डिश टीवी के साइड पे, तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे डिश टीवी ने अपना एड लगाया दोस्तों, अलग अलग एड लगाया यहाँ पे, तो उसमें उन्होंने एक IPL का भी एड लगाया। आप देख सकते हो यहाँ पे उन्होंने बोला कि डोंट रन आउट ऑफ द एक्शन, मतलब आप T20 को यहाँ पे देखना चाहते हो दोस्तों, मैचेस को लाइव देखना चाहते हो, तो आपके लिए यहाँ पे डिश टीवी ने अच्छा ऑफर लाया। उन्होंने ये प्रेडिक्शन किया उसमें कि ये जो IPL आने वाला है स्टारपोर्ट 1 पे आ सकता है, स्टारपोर्ट 1 HD पे आ सकता है, और यहाँ पे स्टारपोर्ट 1 हिंदी और स्टारपोर्ट HD 1 हिंदी पे आ सकता है, ऐसा उन्होंने यहाँ पे प्रेडिक्शन लगाया दोस्तों। और मेरे हिसाब से ये सही प्रेडिक्शन लगाया उन्होंने डिश टीवी ने यहाँ पे, और उन्होंने जो प्राइस लगाया ये चैनल के, तो आपको यहाँ पे पर चैनल 76 रुपये आपको देना पड़ेगा, और ये जो 76 रुपये आपको यहाँ पे टू मंथ के लिए चैनल आपको दिखाई देगा, मतलब IPL का पूरा सीजन आपको यहाँ पे दिखाई देगा डिश टीवी वालों के लिए। तो आप देख सकते हो अगर आपको स्टारपोर्ट वन एचडी यहाँ पे एक्टिव करना है, तो आपको दोस्तों यहाँ पे अपने डिश टीवी की जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर है उससे आपको इस नंबर पे यहाँ पे मिस कॉल लेना पड़ेगा, और उसके बाद आपको अगर हिंदी में कमेंट सुनना है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको स्टारपोर्ट 1 हिंदी और स्टारपोर्ट 1 हिंदी पे HD पे आपको ये सुनाई देगा। तो यहाँ पे डिश टीवी दोस्तों सीधा सीधा यहाँ पे दो ही चैनल पे दाव लगा रहा है, स्टारपोर्ट 1 और स्टारपोर्ट हिंदी 1 पे आपको यहाँ पे दाव लगा रहा है। तो ये बात हो गई दोस्तों डिश टीवी की। अभी हम लोग बात करेंगे वीडियोकॉन की। अभी आप देख सकते हो हम लोग यहाँ पे वीडियोकॉन के साइट पे अभी अवेलेबल है। तो यहाँ पे वीडियोकॉन बहुत दिनों से यहाँ पे एड लगाई वीडियोकॉन ने, उन्होंने बोला कि दिस T20 क्रिकेट सीजन गेट अ स्पेशल 10% डिस्काउंट ऑन वीडियोकॉन DTS। तो यहाँ पे वीडियोकॉन ने तीन चैनल पे दाव लगाया दोस्तों, आप देख सकते हो स्टारपोर्ट 1 HD पे यहाँ पे दाव लगाया, स्टारपोर्ट 2 HD पे लगाया, स्टारपोर्ट 1 हिंदी HD पे यहाँ पे लगाया दोस्तों दाव। तो आप देख सकते हो इस चैनल को अगर आपको एक्टिव करना है दोस्तों, तो उन्होंने यहाँ पे प्राइस बताया 68 रुपये पर चैनल की प्राइस यहाँ पे उन्होंने बताया, और इसमें यहाँ पे बताया कि उन्होंने यहाँ पे लॉक इन पीरियड 2 मंथ के लिए ये चैनल रहेगा, और ये जो एक्टिव रहेगा वो आपको 1 अप्रैल से होके 31 मई तक ही आपको एक्टिव हो जाएगा आपका चैनल्स। तो ऐसा उन्होंने यहाँ पे प्रेडिक्शन किया दोस्तों, आप देख सकते हो ये बात हो गई वीडियोकॉन की। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे एयरटेल पे। तो दोस्तों आप देख सकते हो एयरटेल ने आपका जो स्टारपोर्ट की चैनल की प्राइस लगाई, आप देख सकते हो स्टारपोर्ट 1 की यहाँ पे 65 प्राइस लगाई है, उसके बाद आप देख सकते हो स्टारपोर्ट 2 की यहाँ पे 10 रुपीज प्राइस लगाई, इसका मतलब सीधा सीधा ये हो रहा है दोस्तों शायद स्टारपोर्ट 2 पे IPL नहीं आएगा। एयरटेल ने एक ऐसी बात लगाई दोस्तों, स्टारपोर्ट 1 की प्राइस यहाँ पे 65 रुपीज लगाई है। तो आप देख सकते हो एयरटेल का ऐसा मानना भी हो सकता है दोस्तों कि स्टारपोर्ट 1 भी IPL आ सकता है, और उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे उन्होंने 65 रुपीज यहाँ पे स्टारपोर्ट हिंदी पे लगाया था, और 65 रुपीज प्राइस लगाए स्टारपोर्ट 1 सिलेक्ट पे यहाँ पे उन्होंने प्राइस लगाई है, और स्टारपोर्ट सिलेक्ट 2 पे यहाँ पे उन्होंने खाली 10 रुपये प्राइस लगाई है। तो आप देख सकते हो इन्होंने जो 10 रुपये प्राइस लगाया उस पर IPL आने के चांसेस बहुत ही कम है दोस्तों। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों टाटा स्काई की। दोस्तों यहाँ पे टाटा स्काई पे आप देख सकते हो यहाँ पे टाटा स्काई ने यहाँ पे स्टारपोर्ट 1 की प्राइस लगाई 60 रुपीज लगाई है, ये HD चैनल की स्टैंडर्ड डेफिनेशन चैनल की प्राइस यहाँ पे बता रहे हैं, और उसके बाद स्टारपोर्ट 1 हिंदी पे यहाँ पे 60 रुपीज की प्राइस लगाई है, और स्टारपोर्ट 2 की प्राइस यहाँ पे 45 रुपीज लगाई है, और बाकी ये स्टारपोर्ट सिलेक्ट 1 और सिलेक्ट 2 की यहाँ पे 60 रुपीज की प्राइस लगाई है। तो दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पे डिश टीवी यहाँ पे प्रेडिक्शन कर रहा है, वो हिसाब से मेरे हिसाब से सही होना चाहिए डिश टीवी का प्रेडिक्शन, स्टारपोर्ट 1 और स्टारपोर्ट हिंदी 1 पे यहाँ पे IPL कन्फर्म आ जाएगा, ऐसा यहाँ पे डिश टीवी का मानना है। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे डिश टीवी और वीडियोकॉन के प्रेडिक्शन के हिसाब से मेरी राय थोड़ा बहुत इसमें मिलती जुलती है कि उनके हिसाब से ही IPL आ सकता है दोस्तों। दोस्तों आपने जैसे कि देखा मैंने तो DTS कंपनी के साइड है अलग अलग, उसके ऊपर मैं आपको जाके बताया सारा जगह पे कि आपको कौन सी कंपनी है को किस चैनल के ऊपर यहाँ पे दाव लगा रही है, स्टारपोर्ट के किस चैनल के ऊपर दाव लगा रही है।
तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे डिश टीवी यहाँ पे खाली Star Port 1 और Star Port 1 हिंदी पे नाव लगा रहे हैं दोस्तों। और जैसे कि आप देखेंगे तो वीडियोकॉन DTH यहाँ पे Star Port 1 और Star Port 1 हिंदी पे और यहाँ पे Star Port 2 पे भी नाव लगा रहा है। उसके बाद आप एयरटेल की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे एयरटेल यहाँ पे Star Port 1 और Star Port 1 हिंदी पे नाव लगा रहा है और Star Port Select 1 पे भी यहाँ पे नाव लगा रहा है। उसके बाद Star Port 1 पे भी नाव लगा रहा है। तो आप देखेंगे टाटा स्काई की भी वैसे ही बात है, यहाँ पे Star Port 1 और Star Port 1 हिंदी पे यहाँ पे दाव लगा रहा है Star Port 3। तो आप सारे मिला के आप इनका भी आप प्रेडिक्शन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे मेरे तो आप कुल मिला के देखेंगे तो मेरा प्रेडिक्शन यही बोल रहा है दोस्तों कि सिर्फ और सिर्फ 3 चैनल के ऊपर यहाँ पे IPL आ सकते हैं। और आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रीमियर देखने का IPL की बात है तो दोस्तों यहाँ पे शायद ही आप यहाँ पे Star Port आपको प्रीमियर IPL दिखा सकता है क्योंकि यहाँ पे वो DTH कंपनी के साथ इतना झगड़ रहा है पैसों के लिए प्राइस के लिए। तो मेरे हिसाब से वो प्रीमियर दिखाने के मूड में अभी बिल्कुल नहीं है। तो आप जैसे कि बोल रहे थे कि Star Port यहाँ पे फर्स्ट पे आ जाए IPL और Star Bharat पे आ जाए तो ऐसी तो प्रेडिक्शन तो अभी तो मेरे हिसाब से नहीं आने वाला ऐसा ही मुझे लग रहा है। देखेंगे दोस्तों IPL जैसे ही शुरू होगा समझ में आएगा कि यहाँ मैंने जो प्रेडिक्शन किया वो सही था या गलत था। तो बाद में हम लोग इसके ऊपर देखेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। और हाँ अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो IPL की न्यूज देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। और जो बाजू में बेल की घंटी उसको जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो मैं वैभव आपको मिलता हूँ किसी नए अपडेट के साथ नई वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच दोस्तों इतना वीडियो को देखने के लिए।